हेलो हेलो, माय नेम विघ्नेश, आई एम फ्रॉम ओरिएंटल कॉलेज, आई एम स्टेइंग एट चित्तागेम। मेरा सवाल, पहला सवाल ये है कि अगर जब अल्लाह एक ही है तो फिर मेरे जो बैकग्राउंड है वो सब मुसलमान भाई है, मैं अकेला हिंदू, तो आई रिक्वेस्ट द साउंड पीपल प्लीज, मेरी दरख्वास्त है साउंड वाले से साउंड जरा क्लियर कीजिए, प्लीज सीट वेट दैट द माइक्रोफोन इज क्लियर। आई रिक्वेस्ट द साउंड टेक्नीशियंस to see to it that the microphone is clear, including my monitor speaker. Bhai sahab, aap zara sawal dohra sakte aur aaste aur zara zor se. Agar Allah ek hi hai na, to mujhko bhi chahe to musalman bana sakte the. Par kyun nahi? Allah agar ek hai to? Mujhko bhi chahe musalman bana sakte the. Main kyun Hindu bana? Bhai sahab ka sawal hai, agar Allah ek hai, to mujhko bhi musalman bana sakte the. Usne kyun nahi tumhe musalman banaya? Bhai sahab ka acha sawal hai. और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी जिंदगी अल्लाह भगवान ईश्वर अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी जिंदगी अपने खालिक अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम। तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में या यहूदी खानदान में या मुस्लिम खानदान में, कोई भी खानदान में पैदा होता है वो पैदा होता है मुसलमान जैसा। उसके बाद उसके वालदेन, उसके बड़े, उसके टीचर्स उसे सिखाते हैं। अगर सही चीज सिखाते तो वो सही रास्ते पे रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते पे भटक जाता है। हो सकता है कि बुत परस्ती करने लगे, वो मूर्ति पूजा करने लगता है, हो सकता है वो आग की पूजा करने लगे। इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, उर्दू में अक्सर कहते हैं नो मुस्लिम, जो गलत है, अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट मीन्स गोइंग फ्रॉम वन ट्रैक टू द अदर विच इज रॉन्ग। सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम जैसा, फिर उसके वालदेन उसके बड़े के जरिए से वो गलत ट्रैक पे जाता है, और जब सही ट्रैक पे आ जाता है वापस, सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, अंग्रेजी में कहेंगे रिवर्ट। अक्सर हम कहते हैं नव मुस्लिम, जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक गलत है। सही लफ्ज होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम, रिवर्ट। और आपका सवाल था कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम क्यों नहीं बनाया। अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया। हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े, आपके वालदेन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पे गए, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप यह पूछ सकते कि अल्लाह ने क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया। अगर मुस्लिम खानदान में पैदा किया होता, हो सकता है कि मैं मुसलमान होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25, कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट वो होता है, क्या टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है, जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है फेल होता है। तो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद, उसके बाद अगर इंसान उस पर अमल करते तो पास होते, अमल नहीं करते तो फेल होते। और अगर आप अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते कि आप किधर भी पैदा हो, चाहे मुसलमान खानदान में या हिंदू खानदान में, यह कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद और मुस्लिम नाम रखने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है। जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह में मानने के अलावा, अल्लाह के रसूल में मानने के अलावा, उनके अहकाम पर अमल करना चाहिए। हर मुस्लिम अमल तो नहीं करता है, तो हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में जाएगा
जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हर इंसान को सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 अल्लाह ताला फरमाते सनूरीम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबैना अन्नहक, कि बहुत जल्दी हम आपको अपनी निशानियां दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे इंसानों से कि जल्द हम आपको हमारी निशानियां दिखाएंगे होराइजन्स में, ताकि आप पे वाज़े हो जाए क्या हक है, क्या अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन हक जाहिर होने के बाद हर इंसान उस पर अमल करना जरूरी नहीं। वो सोचने लगे, वो इंसान सोच सकता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो हो सकता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, हो सकता है कि मेरे वालदेन मुझे जायदाद से दखल कर देंगे, हो सकता है कि मुझे मेरे तिजारत में नुकसान हो। तो ये सब चीजें इंसान को बहुत बार भटकाती है और हक कबूल करने से रोकती है। लेकिन आखिरत के दिन के ऊपर आप ये अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेंगे कि मुझे किसी ने भी इस्लाम के बारे में नहीं कहा। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा गया है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158 कि उस दिन आखिरत के दिन अगर आप कहेंगे कि मेरे वालदेन बुत परस्त थे, मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए मैं कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में वादे कर देता है हक क्या है। और वादे करने के बाद आपके पास कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। और आपको भी, आप आज इस मजलिस में आ चुके हैं और मैंने लाखों लोग के सामने आपको वादे किया है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आज आप इस बात को नहीं मानेंगे तो कल आप ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, आप शिकायत नहीं कर सकेंगे अल्लाह से कि मुझे पता नहीं था। बाकी लोग कर सकेंगे क्या नहीं वो बाद में देखा जाएगा। आप तो, अल्लाह तो वादे कर दिया किसके जरिए पता नहीं, लेकिन आज मेरे जरिए तो कर रहा है आपको, और इतने लाखों लोग शहादा दे रहे और करोड़ों लोग टेलीविजन पे देख रहे आपको, तो अभी आपके पास कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं ये कहने के लिए कि मैं मुसलमान खानदान में पैदा नहीं हुआ इसलिए मैंने इस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो तो है। आप मानते हैं खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? पर कौन सा खुदा है वो पता नहीं। नहीं नहीं, मूर्ति पूजा सही है क्या गलत है आपके हिसाब से? अब जब मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो फिर मेरे हिसाब से सही हो सकता। आप कहते हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक मूर्ति पूजा सही है, मैं आपको आपके हिंदू धर्म की किताबों का हवाला देता हूं, मजहबी किताबों का। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 1 एकम अद्वितीयम, ईश्वर खुदा भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेता श्वेतार उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न कदीपा, उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं, उस ईश्वर का कोई रब नहीं। मतलब ईश्वर का, भगवान का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। और साफ तौर पे लिखा गया है श्वेता श्वेतार उपनिषद में अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य पति में अस्ति, उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं। अक्ष प्रतिमा जो संस्कृत लफ्ज है उसके मानिए अक्ष, खुदा का कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। और यह पैगाम दोहराया गया है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, जिसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति,
उस ईश्वर, उस भगवान, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। साफ तौर पे आपके मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अभी मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब, जब आपके मजहबी किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो फिर भी आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है? नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है गलत है? फिर गलत है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि इस खुदा, इस ईश्वर, इस अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर बट और एक क्वेश्चन है। सॉरी, बट एक क्वेश्चन है, मैं एक सवाल है सर। आपका एक सवाल है? हाँ ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अगर मैं मुसलमान बन गया और ऐसा ही तो इंसान को भूत ही भड़काता ना जी, अगर हाँ, आप मुसलमान तो, बन गए तो इंसान को तो भूत ही भड़काता ना। आपकी आवाज जरा साफ नहीं आ रही। शैतान ही भड़काता ना इंसान को। आप अगर मुसलमान बन गए तो वो नहीं, इंसान को तो शैतान ही भड़काता ना। इंसान को शैतान भड़काता है? हाँ। तो अगर मैं मुसलमान बन गया और गलत काम किया तो मेरे वास्ते मुसलमान का नाम खराब हुआ, तो अल्लाह क्या मुझको माफ करेंगे? भाई साहब का सवाल जो समझ में आ रहा है मुझे, मैं दरखास्त करूंगा ऑडियो टेक्नीशियन से अगर मैं मॉनिटर स्पीकर को साफ कर सके, थोड़ा प्रॉब्लम भी रहेगा। ऑडियंस को साफ सुनने में आ रहा है, मुझे सुनने में नहीं आ रहा है क्योंकि मेन स्पीकर आपके तरफ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियो टेक्नीशियन से कि अगर जो मॉनिटर स्पीकर है उसे साफ करे। भाई साहब का सवाल है क्या इंसान को अक्सर शैतान भड़काता है? अगर मैं मुसलमान बन गया और शैतान मुझे भड़काया और मैं गलत काम किया तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल है कि अगर वो इस्लाम कबूल किया और शैतान ने भड़काया, उसने गलत काम किया, तो क्या अल्लाह माफ करेगा? दो चीजें हैं, एक इंसान है जो इस्लाम कबूल ही नहीं करता है, जो इंसान इस्लाम कबूल ही नहीं करता, नहीं मानता है कि खुदा एक है, बुत परस्ती करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, उसके लिए 100% वो जन्नत में नहीं जा सकता है, 100%, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा दूसरे किसकी इबादत करता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो मानता है कि एक अल्लाह है, मानता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और गलत काम करता है, हो सकता है कि झूठ बोलता है, हो सकता है कि चोरी करा, हो सकता है वो शराब पी रहा है, ये गलत है, हराम है, लेकिन फिर भी अगर वो बुत परस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो शिर्क के अलावा, बुत परस्ती के अलावा, मूर्ति पूजा के अलावा अगर आप दूसरे गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला माफ कर सकता है आपके, फिर भी चांसेस है कि आप जन्नत में जा सकते हैं, लेकिन अगर बुत परस्ती करते हुए आप मरेंगे तो आपको जन्नत में जाने की कोई भी चांस नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे सारे दिन गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन जब रात को तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर लेता हूं। मेरे बंदे अगर रात को गुनाह करते हैं और दिन में तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ कर लेता हूं, क्योंकि अल्लाह सुभाना व तआला रहमान और रहीम है, वो रहमत वाला है और करम करने वाला है। आप अगर गलतियां करेंगे, अगर शैतान भड़काएगा तो पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, जब आपको पता चलेगा अपनी गलती की, अल्लाह से तौबा करो, दुआ करो कि फिर से वो चीज नहीं करेंगे, और अच्छी नीयत से फिर से अल्लाह की तरफ पलटते, अल्लाह ताला माफ करेगा। फिर से आप गुनाह करेंगे, फिर से माफी मांगो, अल्लाह रहमान और रहीम है, जब भी माफी मांगो
सच्चे दिल से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा। और अगर आप बुत परस्ती से दूर है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो आपके हाई चांसेस है कि आप जन्नत में जाएंगे। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, एक सेकेंड सर, क्या कुरान में लिखा है ना शराब हराम है? जी हाँ। तो जब सिगरेट भी हराम होगा? सिगरेट भी पीना हराम है, कुरान में नहीं लिखा है लेकिन हराम है। अच्छा, यही पूछना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सेक्टर मस्जिद में जमाते आते वो भी सिगरेट पी लेते। शराब पीना तो साफ तौर पे कहा गया कुरान मजीद में सूरह माईदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में कि हराम है, लेकिन सिगरेट पीना कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 कि अपने हाथ से अपना खुद कत्ल मत करो, यानी सुसाइड मत करो। आज की साइंस कहती है कि टबैको के वजह से, सिगरेट पीने के वजह से हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हर साल 40 लाख लोग मरते हैं सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से। दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है शराब के बाद जो सबसे ज्यादा मौत होती है कोई चीज पीने या खाने की वजह से, वो है सिगरेट। तो क्योंकि पहले लोग को पता नहीं था सिगरेट इज स्लो पॉइजनिंग, तो कई उलमा कहते थे मकरूह है। आज 400 से ज्यादा फतवे है सऊदी में, इजिप्ट में, जो कहा गया है कि सिगरेट पीना हराम है। अभी जो लोगों को लत लग गई है, हम उनसे दुआ, हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। लेकिन अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है, उसका मतलब नहीं कि आपको भी करना चाहिए। हम दुआ करेंगे कि इन मुसलमान को अल्लाह ताला ताकत दे, क्या ये बुरी लत से उन्हें नजात मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर, मैं भी तो थोड़ा इस्लाम रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद बा खुद कबूल कर लूंगा इंशाल्लाह। भाई साहब चाहते हैं कि वो इस्लाम के बारे में और रिसर्च करे, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे हाथ से एक तर्जुमा ले कुरान का, और मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मस्जिद का तर्जुमा पढ़िए, और इंशाल्लाह इससे आप हिदायत पाएंगे। और जब मुतमईन हो जाएंगे कि ये मजहब सही है, फिर कबूल करना, कोई जबरदस्ती नहीं। आप जब मुतमईन हो जाएंगे कि ये इस्लाम, ये कुरान में सही बातें लिखी है, ये सबसे बेहतरीन मजहब है, फिर आप कबूल कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पे आके इंशाल्लाह कुरान मजीद का नुस्खा मुझसे ले सकते हैं।